महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। भले सरकार इसे पूरी मामूली घटना बता रही है, पर धीरे धीरे ये मामला गंभीर होता जा रहा है। अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से उठाने लगा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जो भी दंगे हो रहे हैं उसे सरकार करवा रही है, ये सरकार द्वारा प्लान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, आज एक महीने मालूम नहीं ये एडवर्टाइजमेंट सरकार की है या कोई अपने करोड़ों रुपया कोई और कोई दे रहा है। आज सभी अखबार में एडवर्टाइजमेंट है, उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा एक सर्वे बताया है। अब ये सर्वे कहाँ से किया, क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है सिर्फ, क्या गुजरात में जाकर सर्वे किया है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब ये है जो शिवसेना चल रही है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। आज ये साफ हो गया। अब आपका जो सवाल है राज्य में दंगे, राज्य में दंगे तो ये सरकार स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं, चाहे कोल्हापुर हो, चाहे संगमनेर हो, चाहे संभाजीनगर हो, चाहे आलंदी में वारकरी संप्रदाय पर हुआ हमला हो, कहाँ भी हो, जो भी हो रहा है ये सरकार की मदद से या सरकार की स्पॉन्सरशिप से ये दंगे हो रहे हैं। तो ये घर घर में जाकर क्या करेंगे, झूठे बातें, झूठे आश्वासन, हाँ छोड़ दीजिए। मैंने वो देखा है, इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश की हमारी स्वतंत्रता कैसे खतरे में है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी का कैसा गला घुटा जा रहा है, तो उससे स्पष्ट होता है।